2003 में, 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सब टीमों को हराया था और उससे पहले वेस्टइंडीज ने भी हराया था और इस बार इंडिया एक करके दिखाएगी, वी विल क्रश एवरी अदर टीम इन कॉन्टेस्ट में। तीज चतर्वगर कॉन्टेस्ट, ये क्या कॉन्टेस्ट हुआ यार? इंडिया इज टोटली अनस्टॉपेबल, टोटली अनस्टॉपेबल। 243 रन से जीत हासिल की आज इंडिया ने। सभी टीमों को कर दिया है हमने डंग, सभी टीमों को कर दिया है टीम इंडिया ने दंग और हमारी टीम इंडिया है दबंग। 8 विक्ट्री, सबसे अवेटेड मुकाबला इंडिया साउथ अफ्रीका, सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप को आज क्रम्बल कर दिया। अपनी बारी में मतलब नया गेंद भी कोई स्पेशल दे देते हो अपने बॉलर्स को यार। अगर वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, इसका ये मतलब है कि आप कोई अपना कोई स्पेशल वाला गेम खेल के गेंद जो है उसमें कुछ डिवाइस मैच डाल के वो दे देते हो शमी को। जब काला चश्मा जचता जचता है बोले मुकड़े, जब काला चश्मा जचता। पिच में भी मुझे लगता है कोई गड़बड़ करते हैं, उसी पिच पे रन्स कर जाते हैं खुद ठीक ठाक। और जब दूसरी टीम आती है, पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी 350 बोर्ड पे डाल के उनको 50-55 पे चलता कर दिया, यहाँ पे भी 325 बोर्ड पे डाल के। और जैसे मेघल में ये जाते हैं ना, ये इनिंग्स की ब्रेक होती है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कोई जंतर मंतर कोई पढ़ते हैं, कुछ फूक शूक मारते हैं। नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप की नंबर वन टीम इंडिया और साउथ अफ्रीका के बीच खेले गए मैच में पहले टॉस जीतकर टीम इंडिया ने पहले बल्लेबाजी करते हुए रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 326 रनों का लक्ष्य दिया। वहीं दूसरी पारी में रन चेज करने आई साउथ अफ्रीका को मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा के अच्छी बॉलिंग के आगे साउथ अफ्रीका की टीम 83 रन 27 ओवर में ही ढेर हो गई और भारत ने अपनी लगातार जीत हासिल कर ली। दोस्तों, इस पे पाकिस्तानी मीडिया का क्या कहना है, चलिए देखते हैं इस वीडियो में और मिलते हैं वीडियो के लास्ट में। साउथ अफ्रीका, जिस साउथ अफ्रीका को हराना मुश्किल, जिस साउथ अफ्रीका को हैंडल करना मुश्किल, जिस साउथ अफ्रीका को सिर्फ नेदरलैंड्स ने फंसाया, मगर वही हुआ कि टॉस जीता इंडिया ने और कहा कि नहीं भाई, हम पहले बैटिंग नहीं करने देंगे साउथ अफ्रीका को, पहले तो हम ही बैटिंग करेंगे, बिकॉज साउथ अफ्रीका जब चेज करती है और चेज करती है तो क्रम्बल हो जाती है। और ऐसा वैसा क्रम्बल किया कि मतलब ठीक है कंडीशंस मुश्किल थी, इंडिया के बैटर्स ने भी टाइम दिया, मगर जिस तरह रोहित शर्मा ने शुरुआत की, रोहित शर्मा ने दिखाया कि ठीक है मुश्किल हो या कुछ भी हो, मैं तो जल्दी जल्दी रन करूंगा चाहे विकेट गिरे, क्योंकि मुझे भरोसा है कि मेरे आगे आने वाले बैटर जो है वो संभाल लेंगे। और बाकी क्या संभाला आगे आने वाले बैटर्स ने, उन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। मगर फिर क्या किया इंडिया की बॉलिंग ने भाई, कमाल करके दिखा दिया। व्हाट अ होस्टाइल बॉलिंग अटैक सवेरा, ऐसा बॉलिंग अटैक कोई भी ड्रीम होगा किसी भी कप्तान के लिए, इतनी डोमिनेंस किसी भी टीम को इन्होंने नहीं छोड़ा। आज 8वां मुकाबला, 8 विक्ट्री, सबसे अवेटेड मुकाबला इंडिया साउथ अफ्रीका, सबसे खतरनाक बैटिंग लाइनअप को आज क्रम्बल कर दिया। और उन निकालो उन सारों को बाहर जो बोल रहे थे विराट कोहली ने सेल्फिश इनिंग्स खेली है, बेटा मैंने आपको बोला था इंतजार कीजिए, बड़ों से बहस नहीं करते हैं, इंतजार कीजिए सेकंड इनिंग्स को कंक्लूड होने का, दूध का दूध पानी का पानी आपके सामने आ जाएगा। सो जलने वालों के लिए और मिर्चें कि इंडिया 243 से तो जीता ही जीता, लेकिन विराट कोहली की जो सेंचुरी थी वो 49th ODI सेंचुरी को जो फीका करना चाह रहे थे सेल्फिश का टैग लगा के, दूध का और पानी दोनों की मिलावट और दोनों को भाव सारे बच्चों को, अच्छे बच्चों को पता चल चुका होगा। सो देखें जी, विराट कोहली से जलना मत, बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई फायदा, बल्कि काम करें आप लोग जलते रहें, क्योंकि आप लोग जलते रहते हैं उसकी हंगर बढ़ती रहती है और वो खामोशी से एक के बाद एक, अभी तो आपने 50th ODI सेंचुरी भी देखनी है, अभी कुछ अगले तीन मैचों के अंदर पॉसिबिलिटी है, तो अभी 50th ODI सेंचुरी के लिए भी रुके, अभी तो आप लोगों ने और जलना है। लेकिन सवेरा, किसी भी कप्तान के पास जब इस किस्म की बॉलिंग अटैक होगा, क्या जज्बा है सवेरा, क्या ग्रिट है, क्या रेजिलियंस है, क्या एनर्जी है, क्या पैशन है, एंड देयर इज अ मेथड टू देयर मैडनेस यार। रोहित शर्मा का स्टंप मार कह गया, अबे ये ही तो बल्लेबाज बचा हुआ है, ले लो बेंच स्टोक्स का रिव्यू, क्या क्या एनर्जी। अपनी बारी में मतलब नया गेंद भी कोई स्पेशल दे देते हो अपने बॉलर्स को यार। अगर वर्ल्ड कप चल रहा है इंडिया में, इसका ये मतलब है कि आप कोई अपना कोई स्पेशल वाला गेम खेल के गेंद जो है उसमें कुछ डिवाइस मैच डाल के वो दे देते हो शमी को। और आज तो वो मेघल में वो शमी को समझ नहीं आई, वो पहले 2 विकेट उसने लिए, फिर वो कोई गेंद कुछ चेंज हो गया, जडेजा के हाथ चढ़ गया, फिर जडेजा ने वो 5 विकेट जडेजा ले गया। तो पिच में भी मुझे लगता है कोई गड़बड़ करते हैं, उसी पिच पे रन्स कर जाते हैं खुद ठीक ठाक। और जब दूसरी टीम आती है,
पिछले मैच में श्रीलंका के खिलाफ भी 350 बोर्ड पे डाल के उनको 50-55 पे चलता कर दिया, यहां पे भी 325 बोर्ड पे डाल के, और जैसे मेरे ख्याल में ये जाते हैं ना ये इनिंग्स की ब्रेक होती है तो कुछ ना कुछ उसके ऊपर कोई जंतर मंतर कोई पढ़ते हैं, कुछ फूक शूक मारते हैं, और 83 पे निपट गया आज साउथ अफ्रीका। आज वो जाहिल लोग जो इस तरह की बातें करते हैं वो आज कुछ नई बात क्या लेके आएंगे, यहाँ तो कोई टीम भी इंडिया के सामने टिकने को कहा कि जाहिल लोग जो 100 कोहली पे 18 वो भी बात तो कोहली ने हरा दिया उन जाहिलों को, वो बात भी देखिए आपने अब हमारा जो अभी मिड इनिंग्स में हम आए थे हमने एक शब्द नहीं कहा विराट कोहली को, उल्टा यही बोला कि ठीक था पिच ऐसी थी वैसी थी ये था वो था, और अब आपके सामने है इंडिया को तो छोड़े विराट कोहली को बीट नहीं कर पाया साउथ अफ्रीका, 83 पे आउट हो गया, वो 101 पे नॉट आउट था, गया भी वो नॉट आउट है, वो तो आउट भी नहीं हुआ 100, ये 83 पे आउट उसी पिच पे उसी मैदान में वहीं पे ये 83 पे आउट हो गए जी है, और ये टीम को देखने में मजा आ रहा है। अब जो इंडिया वाले हैं मैं तो उनसे थोड़ा सा जेलस हूं कि अगर मेरी होम टीम ऐसा खेल रही होती है तो होम फैंस को इस वक्त जो एक्साइटमेंट है वो एक्साइटमेंट तो हम रिलेट भी नहीं कर सकते, तो इस वक्त मैं थोड़ा सा इंडियन फैंस से जेलस हूं अपने सारे भाई और बहनों से, क्योंकि इनकी टीम सवेरा सिर्फ खतरनाक क्रिकेट नहीं खेल रही, आइकॉनिक क्रिकेट खेल रही है, डोमिनेंट क्रिकेट खेल रही है, और ऐसी क्रिकेट खेल रही है कि जलने वाले जितना जलते रहें दे आर शटिंग एवरीवन डाउन गेम आफ्टर गेम। और इंडिया की बॉलिंग की खासियत एक आज आपको बता दूं कि पावर प्ले में आज हिलने नहीं दिया इन्होंने साउथ अफ्रीका को, लेकिन 8 मुकाबलों में आज इफ यू गो बैक टू द पाकिस्तान मैच तो पाकिस्तान का पावर प्ले काफी डिसेंट था बाकी टीमों के मुकाबलों में, सो आप खुद सोच लें जो टीम 155 कुछ पे आउट हो गई वो डिसेंट इनफ लग रही थी, इन्होंने बाकियों के साथ क्या किया है, और आज साउथ अफ्रीका के साथ मतलब साउथ अफ्रीका जितनी डोमिनेंस उन्होंने 8 गेमों में दिखाई थी सवेरा वो तेल हो गई आज के एक मैच में। टीम इंडिया इज नॉट अनस्टॉपेबल इज एन अंडर स्टेटमेंट, दिस टीम इज ऑन अ रूट ऑफ मैडनेस, अनप्रेसिडेंटेड सीन्स, अनप्रेसिडेंटेड game plans, and what energy, what passion, what resilience, and what resolve, one after another, ek ke baad ek match winner, kabhi Shami match winner, to kabhi Bumrah match winner, aaj Jadeja match winner, to kabhi Virat match winner, jab ek team ke paas multiple match winners hote hain savera, wo team isi tarah dhamal machati hai, tufaan machati hai, aur bahut bahut mubarak ho India walo ko. Kala chashma pehen kar aa rakhe ho. Jab kala chashma jachta, jachta hai gore mukde, jab kala chashma jachta. Tisri baar. Aur gore milega tisri baar. Ab ki baar tisri. 2003 में ऑस्ट्रेलिया ने लगातार सब टीमों को हराया था और उससे पहले वेस्ट इंडीज ने भी हराया था, और इस बार इंडिया एक करके दिखाएगी, वी विल क्रश एवरी अदर टीम। अच्छा सभी टीमों को कर दिया है हमने दंग, सभी टीमों को कर दिया है टीम इंडिया ने दंग, और हमारी टीम इंडिया है दबंग। हेलो हेलो हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू, और एक बार फिर इतनी जल्दी मुलाकात हो जाएगी ऐसा सोचा ना था लेकिन ऐसा हो गया है, और ये बहुत ही तमाशे चल रहे हैं यार। तो दोस्तों इंडिया की लगातार 8वीं जीत, जो अभी तक एक भी मैच नहीं हारा, जिस तरह टीम इंडिया की बैटिंग हो या बॉलिंग शानदार प्रदर्शन कर रही है उससे हर कोई शॉक्ड है। दोस्तों आज विराट कोहली ने अपनी 49वां शतक लगाया और सचिन तेंदुलकर की बराबरी कर ली। आपकी क्या राय है वीडियो में कमेंट करके दे सकते हैं। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद जय भारत।